गाइस आई नो आप में से काफी लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी, तो अगर आप लोग इस डॉग को फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फटाफट इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को एक ऐसी डॉग ब्रीड के साथ जिसके ऊपर हमेशा से ही कंट्रोवर्सी रही है इनके नेचर को लेकर, जो है पिटबुल। सो गाइस, काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक समझ नहीं आया कि पिटबुल होते कैसे हैं, बिकॉज इसका रीजन ये है कि एक ब्रीड नहीं है बल्कि एक डॉग की टाइप है। तो पिटबुल में चार अलग अलग टाइप्स के डॉग्स होते हैं जो कि टेरियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इन सभी का नेचर अलग अलग होता है। कुछ ह्यूमंस फ्रेंडली होते हैं और कुछ थोड़े अग्रेसिव, और पिटबुल में आप लोगों को अग्रेसिव डॉग सिर्फ वही मिलेंगे जिन्हें फाइट के लिए तैयार किया जाता है, बिकॉज उन्हें दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ सोशलाइज नहीं किया जाता। तो ये तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप लोग पिटबुल के अलावा और किसी भी डॉग ब्रीड के साथ ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली वो अग्रेसिव होंगे ही। तो भाई ऐसा नहीं होता कि पिटबुल अपनी फैमिली के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, या आप लोग ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर लेते हो। तो पिटबुल भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ही वफादार होते हैं और ये उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, बिकॉज ये एक फियरलेस डॉग ब्रीड है। और ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या पिटबुल आप लोगों को परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग पिटबुल को परचेज कर सकते हो, इवन आप लोग चाहे फर्स्ट टाइम ओनर्स ही क्यों ना हो। तो अगर आप लोगों ने मन बना लिया है इस ब्रीड को परचेज करने का, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज पपीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और प्राइस काफी अफोर्डेबल। और फ्रेंड्स, इन पपीज को परचेज करने का आप लोगों को एक बेनिफिट भी हो सकता है, और वो ये है कि जब आप लोग 30 या 35 डेज के पपीज को परचेज करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि कहां पर पोटी वगैरह करें, तो छोटे पपीज जगह जगह पर गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। तो इन पपीज को परचेज करने का ये भी आप लोगों को एक बेनिफिट है कि इतने तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि इन्हें पता है कि कहां पर जाकर पोटी वगैरह करनी है। वैसे दोस्तों, नॉर्मली जो आप लोग पिटबुल पपीज को देखते हैं वो काफी स्लिम से होते हैं, बट हेल्थ वाइज ये पपीज बहुत ही अच्छे हैं। तो इन पिटबुल का आप लोग दोनों ही पर्पज से यूज कर सकते हैं, एज ए फैमिली डॉग ब्रीड या फिर एज ए गार्ड डॉग ब्रीड, बट गार्डिंग के लिए आप लोगों ने ट्रेंड करना होगा। सो गाइस, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बट वो फिर कभी करेंगे। तो चलिए एक बार बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है संतोष गुप्ता, सेकंड है प्रज्वाल गाने पेट्स लवर, एंड थर्ड है ककली दास। सो फ्रेंड्स, एज तो मैं आप लोगों को इनकी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जो कि 2.5 मंथ्स हो चुकी है, और इनकी जो लोकेशन है वो है चंडीगढ़ से। और फ्रेंड्स, डिलीवरी भी आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी जहाँ तक पॉसिबल है, या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर के पास विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 10,000 पीस 10,000 रुपए, एंड फीमेल की है जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए। और अगर आप लोग इन दोनों को एक साथ परचेज करते हैं तो आप लोगों को 60,000 रुपीज यानी 16,000 रुपए में मिल जाएंगे, या फिर उससे भी थोड़ा बहुत कम प्राइस में, बिकॉज ये प्राइस नेगोशिएबल है, तो आप लोग बारगेनिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी मिलता है आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।